हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आपका चैनल में राकेश बाइक रिपेयरिंग में। दोस्तों आज हम आए हैं पैशन प्रो का इंजन बनाने के लिए। दोस्तों ये पहले से ऑलरेडी इंजन बन चुका है और इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, इन्होंने क्या गलती की है। तो दोस्तों जैसे ही हम एक्सीलेटर लेते हैं वैसे फट फट की इससे आवाज़ आती है। एक्सीलेटर ले करके दिखाते हैं, ये देखिए दोस्तों किस तरीके से आवाज़ आ रही है बिल्कुल, और एकदम से रेस बढ़ जाती है और रेस कमी नहीं होती है, गाड़ी सेट नहीं हो रही है और फटफट की आवाज़ आती है, पटाखे की आवाज़ आती है। ठीक है दोस्तों, और काफ़ी किक मारने के बाद स्टार्ट होती है। और दोस्तों यहाँ से ऑयल भी ये बह रहा है, ये देखिए ऑयल है, ये देखिए नीचे एक बूंद गिरा हुआ है और यहीं से ऑयल बह रहा है, ये देखिए ऑयल बह रहा है इसका। और इंजन कल ही फिटिंग किया था, देखिए पूरा इंजन फिटिंग है और इसको हम पूरा ओपन करेंगे, ओपन करके देखेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है और इसमें कैसे सही किया जाएगा। ठीक दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी वीडियो, अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम इसे पूरा ओपन करते हैं, ओपन करके आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक दोस्तों इसको पूरा हमने ओपन कर लिया, अब इसको हम निकालते हैं। तो ये हमारी टाइमिंग चेन जो है इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, इसको और इसे हम ओपन करते हैं। तो दोस्तों ये हमने पूरा ओपन कर लिया है और ये भी हमने ओपन कर लिया, ये देखिए पैकिंग है, ये हेड है, ये ओपन कर लिया है और इसमें देखिए ये जो है लॉक का जो निशान बन गया है। ठीक दोस्तों इसमें लॉक का निशान काहे के लिए बन गया है ये मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों इसको जो पैकिंग जो हम लगाए थे इसमें जो पूरी ब्लैक किट साथ में आई थी, देखिए पूरी ब्लैक किट नहीं पड़ी हुई है हमारी, देखिए पूरी ब्लैक किट जो है हमारी नहीं पड़ी हुई है और इसमें ब्लैक किट जब नहीं डाली है हमने, इसमें ओरिजिनल जो पैकिंग आती है। ठीक दोस्तों इसका जो लॉक था एक लॉक नहीं मिल रहा था साइड वाला, तो हमने दूसरा लॉक इसमें लगा दिया था लेकिन काफ़ी हमने जांच किया नहीं मिला हमको लॉक। तो ये भाई बता रहे हैं कि इसमें लॉक नहीं मिला था तो हमने पुराना लगा दिया, तो अब हमने इसको खोला तो इसको हमने जब ओपन किया तो इसमें जो है ये निशान दिख रहा था, ये हमको निशान दिख रहा है, ये देखिए ये ऐसे निशान दिख रहा है। ठीक दोस्तों इसको हमने निशान दिख रहा है तो हमने इसको खोला, इसको पूरा जांच किया पैकिंग की। तो देखिए ये जैसे हमने पैकिंग ओपन करेंगे और इसके अंदर जो है जो लॉक पिस्टन वाला नहीं था इसमें, वो लॉक इसमें ये निकला हुआ, ये देखिए हम निकाल करके आपको दिखाते हैं, यही वाला लॉक ये भाई बता रहे नहीं मिल रहा था, पिस्टन में जो लॉक लगता है ये देखिए नीचे गिरी है, ये रहा मिल गया। तो ये देखिए इसमें यहाँ पे बीच में इधर बीच साइड में ये फंसा हुआ था लॉक, ये लॉक फंसने की वजह से जो है इसमें ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो हमने ये पूरा पैकिंग वैकिंग खोल डाली, ओरिजिनल पैकिंग है, ये ओरिजिनल पैकिंग है, ये अगर आप कंपनी से लेंगे तो 200 रुपये की ये पैकिंग मिलेगी। तो उससे पहले हमको इसको भी क्लीन करना पड़ेगा, ये हेड को, हेड में जो सैली कैली लगी हुई इसको क्लीन करना पड़ेगा और ये जो है इसको भी पूरा अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा। और अगर आप चाहे आप अगर सोच रहे हैं कि इसको हम इसमें कुछ करेंगे तो इसमें हम कुछ भी नहीं करेंगे, इसको क्लीन कर देंगे और क्लीन करके इसमें सेलिंग लगा करके बांध देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसकी जो ये जो यहाँ से ऑयल बहने की प्रॉब्लम है वो भी सही हो जाएगी, ये जो यहाँ से ऑयल बह रहा था वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और जो यहाँ से फच फच आवाज़ आ रही थी ये यहाँ से लीकेज होता है, ये फच फच की आवाज़ आती है लीकेज होने की वजह से, वो भी सही हो जाएगी। ठीक दोस्तों इसको पूरा हम वॉश करेंगे, वॉश करके इसको दोबारा यही पैकिंग लगा करके इसको बांधेंगे। ठीक दोस्तों बांध करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये पूरा हमने फिट कर दिया इसका हेड, और हेड फिट करने के बाद अब हम गाड़ी स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं कि गाड़ी स्टार्ट हो रही है कि नहीं हो रही है, और जो प्रॉब्लम पहले फच फच आ रही थी और गाड़ी की रेस बढ़ने की प्रॉब्लम आ रही थी वो सही हुई कि नहीं सही हुई है ये भी मैं आपको दिखाऊंगा, और जो ऑयल आने की प्रॉब्लम थी वो भी सही हो रही कि नहीं हो रही वो भी मैं आपको चेक कराऊंगा। ठीक दोस्तों अब गाड़ी हम स्टार्ट करते हैं, तो हम इसे स्टार्ट करते हैं, देखिए गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई है और गाड़ी की जो रेस बढ़ रही थी वो भी सही हो गई है, रेस की प्रॉब्लम भी सही हो गई है, अब जहाँ मन आए वहाँ हम सेट कर सकते हैं गाड़ी को। और जो यहाँ से ऑयल की प्रॉब्लम थी, यहाँ पे ऑयल आने की प्रॉब्लम थी यहाँ पे, वो भी सही हो गई है, ये देखिए यहाँ से ऑयल आ रहा था फ्लेंज के बगल से वो भी नहीं आ रहा है। ठीक दोस्तों चक्कर क्या था, ये भाई ने जो पैकिंग लगाई थी पैकिंग के अंदर जो इसका जो पिस्टन का जो लॉक होता है
वो फंसा हुआ था, इस वजह से जो पैकिंग जो ये हेड जो है सिलेंडर जो है दब नहीं रहा था, अच्छे से दब नहीं रहा था, पैकिंग पकड़ नहीं रही थी। ये प्रॉब्लम छोटी सी प्रॉब्लम थी, लेकिन इसके लिए हमको पूरा हेड खोलना पड़ा, और ये कल ही इंजन फिट हुआ था और आज हमको हेड खोलना पड़ेगा, क्योंकि भाई ज़्यादा परेशान हो गया था और उसमें प्रॉब्लम ज़्यादा थी और गाड़ी सेट भी नहीं हो रही थी, गाड़ी में ऑयल से आ रहा, हेड से ऑयल ऑयल सब आ रहा था। इस वजह से हमने इसको पूरा खोला, समझा और फिर इसको बांधा, फिट किया। दोस्तों आप लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आ सकती है, तो प्लीज़ हमारी वीडियो अगर देखी है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। ठीक दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलता है आपको अगली वीडियो, जब तक के लिए नमस्कार।